सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये शख्स खिलाफत का झूठा दावा करने वाला एक मक्कार था, अब वो हम पर कत्ल का इल्जाम लगाएंगे। क्या हमारे बेटे को जेल आपने भिजवाया? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने तस्वीर बनाने वाले का ताकुब किया, वहां से फरार हो गया, फिर अपनी दुकान पर मिला। वो ये तस्वीर अखबारात में शाया करने वाला था, सब ले ली हमने। मोहम्मद सलीम को हमने नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन वापस आने के लिए उन्हें आपकी माफी की जरूरत है सुल्ताने मौज़म। हम इल्तिजा करते हैं, कुछ दिन में नाइमे और कमालुद्दीन की शादी हो जाएगी। अगर नाइमे को पता चल गया तो वो ये तकलीफ सह नहीं पाएंगी। आप तो उससे मोहब्बत भी नहीं करते, तो फिर क्यों? क्योंकि हमारी किस्मत में हर बार हारना नहीं है। सिनेहा सुल्तान ने हुक्म दिया है, शहजादा मोहम्मद सलीम और उनकी अहलिया महल तशरीफ ला रहे हैं। तुम उन्हें पैगाम भेजो कि वो रूसी बहरी बेड़े को पाया तख्त की सरहद पर ले आए। उनसे कहो कि उस्मानी हुकूमत से कोई बात ना करें। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उन्हें ये मशवरा दिया? हमने मशवरा दिया था। रकम चाहिए। मुझे भी रकम चाहिए, इसलिए हमें हेरोइन की फरोख्त में इजाफा करना होगा। इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। पाकीज़े जल्दी कीजिए, शहजादे आपके मुंतजर हैं। बाजी, हम शहजादे के साथ जाकर क्या करेंगे और क्या बात करेंगे उनसे? वो हमसे अपनी पेशकश का जवाब मांगेंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। आपको सिर्फ उनकी बात सुननी है, मगर इनकार नहीं कीजिएगा। सोचने के लिए वक्त ले सकती हैं, बस वो आपसे जो भी कहें आप गौर से सुनती रहिएगा। जो भी हो पाकीज़े, इनकार मत कीजिएगा, आप हालात जानती हैं हमारे। चलिए। मेरे पास कुछ मालूमात हैं आपके लिए। वो क्या? वजीर तालीम यहाँ की दर्सगाहों में पढ़ने वाले बच्चों के नामों को अलग से दर्ज नहीं करते, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वो
एक दूसरे की हालत से भी वाकिफ नहीं। वो लोग काफी परेशानी का शिकार हैं। अब्दुल हमीद ने अगर उन्हें आजादी दे दी तो अरब के कई इलाकों से हाथ धो बैठेगा वो। हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे लेकिन उसमें वक्त ज्यादा लग जाएगा। मैं जानती हूँ कैसे तलाश करना है उन्हें। उन्हें हम तारीख की तरफ माइल करेंगे। सुल्तान मौसम, ये खराब कागज रूसी सिफारतखाने के कूड़ादान से मिला है लेकिन ये पढ़ने के काबिल नहीं है। मेरे सुल्तान, ऐसे कागज का आप क्या करेंगे जिसमें कुछ पढ़ा ना जा सके? अभी मालूम हो जाएगा पाशा। हमने सफीरों को जो कलम दिए थे वो खराब थे। खुसूसी तौर पर बनाए गए थे। इस कलम से कुछ अल्फाज लिखने के बाद इसमें से एक खास किस्म की स्याही निकलने लगती है। कलम के निचले हिस्से में असल स्याही है। कुछ अल्फाज लिखने के बाद इस कलम से नकली स्याही बाहर निकल पड़ती है और जो कुछ पहले तहरीर किया जा चुका होता है पढ़ने के लायक नहीं रहता। नकली स्याही भाप बनकर उड़ जाती है और इसके बाद जो लिखा होता है वो वाज़े हो जाता है। मेरे सुल्तान, क्या आपको यकीन था कि सफीर इसी कलम से खत लिखेंगे? सफीर नहीं तो कोई और जरूर लिखता। एक कीमती कलम का इस्तेमाल सभी करना चाहेंगे, यही जहानत है पाशा। मालूमात हासिल करने के लिए करना पड़ता है ये सब। कभी आप कामयाब होते हैं और कभी नहीं हो पाते, लेकिन इस बार हम कामयाब हो चुके हैं। सुल्तान मौसम, क्या कोई आम मालूमात है? रूसी बहरी बेड़ा बुलवा रहे हैं ताकि हमें खौफजदा कर सकें। ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे पाशा। दूसरी हुकूमतों के साथ ये हमारा इत्तेहाद खत्म करना चाहते हैं लेकिन अभी तक हमें इनके हतमी मंसूबे का इल्म नहीं हो पाया है। पाशा हजरात को बुलाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हम जानते हैं कमालुद्दीन, आप शादी की तैयारियों में बहुत मसरूफ हैं लेकिन अब जल्द ही ये सारे काम निमट जाएंगे और हम एक हो जाएंगे। शहजादी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। दरअसल मैं नाइमे खदीजा वासफी पाशा आ चुके हैं, वो भी आपकी शादी में शिरकत करेंगे। ये तो अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई। हमें भी खुशी होगी। वो दरअसल आते ही सुल्तान से बात करना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें पाबंद कर दिया। यानी हमने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए इतनी फिक्र और जल्दबाजी की क्या जरूरत है और वो राजी हो गए। अच्छी बात है बहुत। जी बिल्कुल अच्छी बात है। सबाहतीन आफंदी, कहिए। पाकीज़े से बात करना चाहता हूं मैं। पाकीज़े घर पर नहीं है। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे उनसे, यही इंतजार करूंगा मैं। लेकिन ये गैर मुनासिब होगा। ऐसे घर के बाहर इंतजार करना और मालूम नहीं कि वो वापस कब आएंगे। कोई बात नहीं, चाहे कई दिन ही क्यों ना लग जाएं, यही इंतजार करूंगा मैं। शुक्रगुजार हैं कि आपने आने से इनकार नहीं किया। बाजी की ख्वाहिश पर आए हैं हम। हमारी पिछली मुलाकात ना खुशगवार रही थी।
हम जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते। क्या आप हमेशा दो टोक बात करती हैं पाकी से? बिल्कुल सही समझे आप। फिर उसे वो लड़की जिससे हम शादी करना चाहते थे, उनके साथ हमने अपनी तमाम ख्वाहिशात को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। आप आज भी अफसरदा हैं? उस गम ने सिखाया कि किसी पर एतबार न करें, खासकर ख्वातीन पर। इतना सब होने के बाद हमसे शादी करने की क्या वजह है? ताकि हम अपना गम भूल जाएं और दोबारा एतबार करना सीख जाएं। अगर दरख्वास्त कबूल कर लेंगी तो शुक्रगुजार रहेंगे, मगर इनकार नहीं कीजिएगा। सोचने के लिए वक्त ले सकती हैं, बस वो आपसे जो भी कहे आप गौर से सुनती रहिएगा। क्या फौरी जवाब देना जरूरी है शहजादे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जितनी जल्दी जवाब देंगी उतनी ज्यादा खुशी होगी। रूस अपना बहरी बेड़ा बोहरायस्वद भेज रहा है। मकसद क्या है उनका? मकसद हमारी रियासत से ऐसे गुजरना जैसे वो इस रियासत के हुक्मरान है। क्या मालूमात मुस्तनद हैं? मुमकिन है ये मालूमात दुरुस्त ना हो मेरे सुल्तान। ये मालूमात बराह रास्त हम तक आई हैं। उन्हें तैयारी करके यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जहाज मुख्तलिफ बंदरगाहों पे हैं। पाया तख्त पहुँचने में मजीद 1 दिन लगेगा। ये बताइए कि सरियर किले की क्या सूरत हाल है बादशाह? उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी बड़े हमले को बर्दाश्त करे मेरे सुल्तान। आपको इल्म है कि जर्मन गोले हमने मशरिकी तुर्किस्तान रवाना कर दिए हैं और हमारे पास इस वक्त गोला बारूद की कमी है। फौरी तौर पर किलाबंदी कर दी जाए, दिफाई निजाम को भी मुकम्मल तौर पर फाल कर दे, सरियर में 120 गोले भेज दिए जाए। सुल्तान मौसम, रूस इन इकदाम को ऐलान जंग तसव्वुर करेगा। बर्लिन मुआहदे के मुताबिक उस्मानी रियासत की तरफ से शुमाल की जानिब हमारी फौजियों और चौकियों की तादाद मुकम्मल है। इन परेशानियों और मुश्किलात की वजह माजी में किया गया बर्लिन मुआहदा ही है सईद पाशा। आज वो हमें खौफजदा करने के लिए आ रहे हैं, मगर मुस्तकबिल में जंग के लिए भी आएंगे। अहकाम पर फौरी अमल करें। उनके रद्द अमल के लिए हमें सियासी तौर पर तैयार रहना होगा मेरे सुल्तान। अगर हमारी रियासत की सालमियत खतरे में है तो फिर हमें भी उस मुआहदे को सरासर भुलाकर अपनी रियासत की हिफाजत के लिए हक है तदबीर करने का। ये उनकी गलतफहमी है कि वो हमें एक कमजोर रियासत समझते हैं। माजी में भी, आज भी और कल भी उनकी सोच यही रहेगी, लेकिन हम सियासत और सफारतकारी दोनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर इसका क्या मतलब समझूं मैं? तो मैंने जो सुना था वो सच था? आपने अपना वादा इतनी जल्दी तोड़ दिया? अब्दुल कादिर को हां कर दिया आपने? हमारी बात सुने बगैर आप ये कैसे कह सकते हैं? आप जेल से निकलकर सीधा यहां सवाल करने आ गए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा शहजादे,
पाकीज़े खातून से बात करने आया हूं। जवाब है आपके पास? क्या अहमक हूं मैं आपके लिए खानदान से मुखालिफत मोल ली और आपने प्यार को नहीं महल को तरजीह दी? लगता है मैंने एक शहजादी से नहीं बल्कि एक संगदिल से मोहब्बत की थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने सोचा जैसी आप दिखती हैं मासूम भी वैसी ही होंगी। गलत था, अफसोस। पाकीज़े, बहुत बदतमीजी कर ली आपने। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आइंदा पाकीज़े से दूर रहिएगा। अब्दुल हमीद सरियर में इजाफी नफरी तैनात कर रहा है। ये कैसे कर सकता है वो? अब्दुल हमीद बर्लिन मुआहदे को नजरअंदाज कर रहा है। जंग के खतरे के बगैर इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के खिलाफ ऐलाने जंग। अब्दुल हमीद ये जान चुका है कि हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है उसने। या तुम या मैं अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहे हैं। जनाब परवोस, यकीन करें पैगाम भेजने के बाद से मैं अब तक यहां से बाहर नहीं गया। टेलीग्राफ लाइन भी ठीक है। उसे कैसे मालूम हुआ इस बारे में? मैं उससे कहूंगा कि जो वो कर रहा है उसे ऐलाने जंग कहते हैं। यही रुको तुम, मैं जाऊंगा। आ जाएं। मेरे सुल्तान, शहजादा मोहम्मद सलीम तशरीफ लाए हैं। भेज दें। सुल्तान मौसम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके हाथ का बोसा ले लूं। बाबा जान, फरजंद, खुश आमदीद। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आपकी शफकत भरी निगाहें नसीब हुई। वालिद के गुस्से में भी शफकत होती है फर्जंद, लेकिन औलाद को इस बात का एहसास नहीं हो पाता। यहां तक कि
वालिद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और फिर उनकी गुस्से वाली यादें ही हमेशा साथ रह जाती हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए मेरे सुल्तान, हम आपके शफकत भरे गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब तक आप हमारा साथ ना छोड़ें। जज़ाकअल्लाह। बताइए हमें, क्या देखा दुनिया में आपने? हम जिस जगह भी गए वहां की तस्वीर बनाई आपके लिए, और जहां नहीं जा सके वहां की तस्वीर मंगवाई। उन लोगों ने हमें तस्वीर बनाकर भेजी। आपके लिए 400 से ज्यादा तस्वीर लाए हैं हम। बहुत खुशी हुई हमें सुनकर फर्जंद। हम वो इसलिए नहीं लाए कि आप हमारी जगह उन्हें देखते रहें। बाबा, अगर आप हमारे साथ बाग में चलें तो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं हम। हमारे बाग में ऐसा क्या है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? आपके लिए एक खुसूसी तोहफा है। आपका सफर कैसा रहा? रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बेहतर है। मौसम जरा खराब था, हो सकता है उसी का असर हो। तबीयत मौसम की वजह से खराब नहीं हुई। हंदान माँ बनने वाली है। क्या वाकई? ये तो खुशी की बात है। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अल्लाह माँ और औलाद दोनों को सेहत दे। आमीन। आप अच्छा महसूस कर रही होंगी ना? बस सुबह की कराहत अच्छी नहीं थी। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे और खूबसूरत औलाद से नवाजे। मेहमत सलीम भी बाप बनने की खबर सुनकर बहुत खुश हुए होंगे। जी बेशक, हमारा ख्याल खुद से ज्यादा रखते हैं वो। अब शहजादा अब्दुल कादिर की बारी है, लेकिन लगता है शहजादे इस वक्त शादी के बारे में सही फैसला करने से कासिर हैं सुल्ताना। क्या मतलब? मतलब पहले उन्होंने मंगनी तोड़ दी, उसके बाद ऐसी लड़की से शादी की ख्वाहिश की जो आपके खानदान के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। स्नेहा फूफी ने हमें बताया। अफसोस है हमें। अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, आप फिक्र मत करें। अब्दुल कादिर भी आपके शोहर की तरह एक शहजादे हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो उनसे शादी की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन यकीनन वो एक दिन ऐसी लड़की तलाश कर लेंगे जो मोहब्बत और एहतराम के लायक हो। इंशाल्लाह। जानता हूं आप बाहर बहुत कम आते हैं, रियासत की मसरूफियात ज्यादा हैं, इसलिए अगर आप कुछ अच्छी तस्वीर लेना पसंद करें तो कुछ वक्त हमारे साथ यहां गुजार लेंगे। ठीक है, आप यहां खड़े होंगे और हम यहां पर। हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। या अल्लाह। बहुत खूब, बहुत आला फर्जंद, आफरीन। अब्दुल कादिर, देखिए आपने भाई की निशानेबाजी। मैं भी कर सकता हूँ ये। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं भाई? मैं कर लूंगा। भाई की तरह निशानाबाज बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब्दुल कादिर भाई, हमारे भाई। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया, मुलाकात हो ही गई बिलाखिर। खुश आमदीद। शुक्रिया। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? आपको इस हुलिये में देखकर हैरत हुई। अरब के रिवायती लिबास अपने रंगों और लताफत की वजह से
पूरी दुनिया में खास पहचान रखते हैं। तशरीफ रखिए। मैं आपको जज़ायर उल अरब की कुछ तख्लीकात दिखाना चाहती हूँ और मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है। अगर आप चाहें तो मैं इनकी नुमाइश के लिए जरूरी बंदोबस्त कर सकता हूँ, जगह भी मिल सकती है। अरब से मुतालिक बात करने वाला हर शख्स अरब कौम को कदीम खाना बदोश समझता है। वो समझते हैं कि अरब खेमों में रहा करते थे अपने जानवरों के साथ, और अपना ज्यादातर वक्त बारिशों का पानी तलाश करने में गुजार देते थे। वो ताहम ये दरियाफ्तें उन्हें गलत साबित कर देंगी। कोई भी हमारा अरब भाई ये ख्यालात सुनकर मुतासिर हो जाएगा और आपका शुक्रगुजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं तैयारी शुरू करता हूँ। जी जरूर। क्या हम ऐसे ही मुलाकात करेंगे? ये नुमाइश उनके अजदाद से मुतालिक होगी, वो जरूर आएंगे। बनी हारिस, बनी जूशम, बनी नज्जर, बनी काइनुका, बनी सईद, बनी शुतैबा और बनी कनाना, इन तमाम कबाइल के नौजवान नुमाइश देखने आएंगे। मुझे बस एक ही परेशानी है। और वो क्या है? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस लिबास में। अरब के नौजवानों को एहतियात करनी होगी, कहीं आपके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाएं। एस्मा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जंग की तैयारी कर रहे हैं? हम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन हमेशा अमन को ही तरजीह देते हैं। लेकिन सरियर में आपके इकदामात कुछ और ही जाहिर कर रहे हैं और रोज इन इकदामात से परेशान है। आप यकीनन सईद पाशा ही हैं ना? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने यहाँ आने से पहले तमाम पाशा हजरात की मुकम्मल तहकीकात कर ली थी, इसीलिए मैंने पहचान लिया आपको। मैं जानता हूं कि आप सिफारतकारी में बहुत माहिर हैं, लेकिन इस मसले में हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म के लिए मुनासिब वजीर नहीं है। वो क्यों? आप बर्लिन वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर किसी वजह के सरियर में अपनी फौज भेज रहे हैं। इसकी भी एक वजह है। लगता है आप सोच रहे हैं कि रूसी पायतख्त की जानिब आ सकते हैं। सोच नहीं रहे, मालूम है हमें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि रूस अपना बहरी बेड़ा हमारे इलाके से गुजारना चाहता है। आपने ये कैसे जान लिया? जासूसी पारवुस्साफंदी। मैं भूल गया था, इस दौर की सबसे बेहतरीन जासूसी तंजीम के मौजिद से ये पूछना बहुत बड़ी बेवकूफी है। माफ कर दीजिए, लेकिन बगैर किसी ठोस वजह के बर्लिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके सरियर में मजीद सिपाही हरगिज नहीं भेज सकते आप। मैंने सही कहा ना सईद पाशा? क्या इनके सवाल का जवाब देने की इजाजत है मेरे सुल्तान? पर वो साफंदी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। क्या हम किसी पेशगी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते? अगर हमने ऐसा किया तो सिर्फ रूस के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुहिदे पर दस्तखत करने वाले हर एक मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग माना जाएगा। यकीनन ये काबिल वजीर हैं। मैं आपको सईद पाशा की बात मानने का मशवरा दूंगा सुल्तान मौसम। अगर आपने बर्लिन मुहिदे के खिलाफ वर्जी की तो अपनी रियासत को आप बहुत बड़ी जंग में झोंक देंगे। ठीक है, हम हुक्म वापस ले लेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हम में से कोई भी आलमी जंग नहीं चाहता। मुलाकात खत्म हुई। पारवुस बहरी बेड़े को हमारी सरहद के पास से क्यों गुजारना चाहता है? नहीं मालूम सुल्तान मौसम, अगर हम बगैर किसी सबूत के सरहद पर डेरे डाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हम सियासी तौर पर तन्हा हो जाएंगे।
रूसी हमारी सरहद से गुजरेंगे और हमारी साख खराब हो जाएगी। हम जानते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। क्या ऐसा ही है? मुझे लगता है कि रूस का हमारी साख खराब करने के अलावा और भी कोई मकसद होगा, लेकिन फिलहाल हम अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हम उनके बहरी बेड़े को अपनी समंदरी हुदूद से गुजरने नहीं देंगे। क्या मसला है बताइए। वल्लाही मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। हमारे सुल्तान सईद पाशा की हिमायत में है। आपको मालूम है सईद पाशा से तन्हाई में मिलते हैं वो, हमसे तो नहीं मिलते। मैं इस बारे में सोचता हूं तो लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा हुकूमती काम जारी है। हम उसके बारे में नहीं जानते और हमारे सुल्तान सारी तवज्जो सईद पाशा पर रखते हैं और उनके साथ ही बातचीत करते रहते हैं। समझ में नहीं आता, वो सईद पाशा कमजोर और काफी ज़ईफ हो चुके हैं, जबकि मेरे जैसा ज़हीन और मुहिब वतन शख्स रियासत की खिदमत के लिए हर वक्त बेकरार है। तो क्यों सईद पाशा की तरफ इतनी तवज्जो देते हैं वो? आ जाओ बेटा, आपके लिए खाना लाया हूं पाशा। हाँ रख दो बेटा। दरअसल मैं आज घर देर से जाऊंगा, इसलिए फादिल उस्ताद से कहा कि मेरा खाना यही भिजवा दे। शुक्रगुजार हूं उनका। अल्लाह के वास्ते शुक्रिया की जरूरत नहीं है सलीम पाशा, आप लुत्फंदोज हो। लेकिन तजस्सुस है कि फादिल उस्ताद ने क्या भेजा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देख लूं? क्यों नहीं, गोश्त और लोबिया। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं चख सकता हूँ? मुझे लोबिया बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। शुक्रिया। सलीम पाशा, वजीर आजम का मनसब हासिल करने के लिए आपने सुल्तान मौजम से बात की है? मैंने ऐसा सुना है, हालांकि मैंने आपको कभी किसी मनसब या ओहदे की जानिब माइल होते नहीं देखा। मैंने सोचा कि आपको इस मामले में मुकाबलेबाजी पसंद नहीं होगी। मैंने सोचा था कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, जैसे आपका नाम हलीम सलीम, हलीम सलीम, सलीम पाशा, हलीम सलीम। महमूद पाशा, मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ। सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वजीर आजम बनने की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि आपकी मौजूदा ज़हनी कैफियत रियासत के हक में मुनासिब फैसलों के लायक नहीं है। मेरे ख्याल में वजीर आजम का मनसब आपकी थकावट में इजाफा कर देगा। मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यकीनन आप मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको मेरी बेहद परवाह है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाशा, आपके हुक्म के मुताबिक हम मनोल के कुमारखानी और कारवान सराय को देख कर आए हैं, उसने हमें पेशकश की है। वो इतना पुरएतमाद क्यों है? किसी के भरोसे पर वो इतना पुरएतमाद हो गया? हैरत है। हाँ, अंदाजा है मुझे, यानी वो उस पर भरोसा कर रहा है जो हमारे हाथ से निकल गया। पाशा, मुझे लगता है कि वो मनोल पायाए तख्त पे इख्तियार चाहता है, उसकी बातों का कोई और मतलब नहीं। मनोल के कारवान में शामिल होने वाला पहला शख्स कौन था? सवतली कोर। कौन है ये सवतली कोर? वो कुमारबाज है, अपने वालिद को कत्ल किया और इस्तांबुल आ गया। जब तक बाप जिंदा था उसे इन सब मामलात से दूर रखता था पाशा। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ उसके बाद वो हीरोइन के कारोबार में शामिल हो गया। उसका ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि वो चाकू चलाने का माहिर है और हमेशा बाएं जानिब से हमला करता है। दुश्मनों में से जो भी दाएं जानिब से हमला करता है वो उसके हाथों मारा जाता है। चाकू की लड़ाई में वो कभी नहीं हारा पाशा। बहुत बड़ी बात है ये किजिल। हम मनोल से लड़ाई से पहले इस शख्स से मिलना चाहेंगे, सबको पता चल जाएगा। जो भी मनोल का साथ देगा वो मारा जाएगा।
प्यारे फरीदो, मैं एक टाई पहनना चाहता हूं जो शोख रंग की हो। मैं चालाक नजर आना चाहता हूं। सुल्तान मौसम, सरियर से मुतालिक अहकामात वापस ले लिए गए हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं। वो घात लगाकर हमला करते हैं, किसी पर भी रहम नहीं खाते। दोस्त बेवफा, जमी बेवफा, परेशानियां बहुत, काबिल एतमाद कोई नहीं। दुश्मन कवि, जबू हाल। हमारा काम मुहैदे के दूसरे पहलू से पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर जाना है। हर मसला हल हो सकता है, हर आग को बुझाया जा सकता है, हर दीवार को गिराया जा सकता है। हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? तदबीर कर चुके हैं हम पाशा, हम फौरन हरकत में आएंगे। एकमात हम देंगे। हमारा शहंशाह खुद तो लजीज खाने खाता है और हमें ये कैसे कैसे खाने खिलाता है। और हमारे जो साथी बीमार हैं, वो इस तरह का खाना नहीं खा सकते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आखिर हम ये जिल्लत कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल हम भूख से एक दूसरे को ही नोच खाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ? सब चुप हो जाओ। क्या हम इसी लायक हैं कि ऐसा खाना खाएं? अगर इससे बेहतर के मुस्ताहिक होते तो वो भी मिल जाता। कान खोल के सुन लो, अब अगर तुम में से किसी की आवाज आई तो अच्छा नहीं होगा। हम बगावत के लिए मजबूर हैं। रूसी शहंशाह या हमारा मसला हल करेगा या अपने तख्त से जाएगा। सबको खबरदार कर दो। बहुत याद आई अपने भाई की, खास तौर पे अपने बाबा की। अच्छा हुआ हम आ गए। बीदार सुल्तान को हमारा यहां आना अच्छा नहीं लगा। वो क्यों? कुछ कहा आपसे? नहीं, मगर कुछ महसूस हुआ। जब मां बनने का मालूम हुआ तो वो चौंक गई। मुमकिन है इसकी वजह यह हो कि हम दो बार औलाद खो चुके हैं। उन्होंने सोचा होगा हम कभी मां नहीं बन सकेंगे, लेकिन वो गलत थी। बीदार सुल्तान का हमारे साथ कोई मसला नहीं, वो हम सब के लिए हमेशा एक अच्छी माँ साबित हुई हैं। खैर, हम शादी के बाद घर वापस चले जाएंगे। आ जाओ। जनाब, एक बहरी जहाज में बगावत हो गई है। क्यों? उन्हें जो खाना दिया गया था वो खराब था। क्या तुम्हारा बादशाह अपने सिपाहियों को अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता? किस तरफ गया है जहाज? बहिर अस्वत की तरफ। उन्होंने अपने ही इलाकों में बमबारी भी की। तुम जा सकते हो। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए, हम अपना मंसूबा नहीं बदलेंगे। जल्दी जहाज हथियार डाल देगा। सिपाहियों से भरा जहाज जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकता। तारीख हमें महकूम बनाना चाहती है। मुसलमान 800 साल से ज़ायद अरसे तक अंदलुस में रहे और अब वो एक मसीही सरजमीन है। अब वहां अजान की नहीं बल्कि कलीसाओं से घंटियों की आवाजें आती हैं। ईसाइयों के आगे जब मुसलमानों ने हथियार डाले तो वहां का हुक्मरान अब्दुल्ला ईसाइयों के गलबा पाने की वजह से रो रहा था।
उसकी वालिदा ने यह देखकर कहा, रो लो बेटा रो लो, वक्त आने पर तुम अपने शहर का दिफा ना कर सके, अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, रो लो। तुर्क यहां सैकड़ों साल से रह रहे हैं, ये जगह दारुसलाम है, जिसे कोई दुश्मन फतह नहीं कर सका, वो वाहिद किला है। अगर हम वक्त पड़ने पर नहीं लड़े तो हमारे पास भी रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। पाशा हजरत, अपनी सरजमीन का हमेशा दिफा किया है हमने, वो चाहते हैं कि हम यहां से चले जाएं, हमने खून बहाया है इस सरजमीन के लिए, दुश्मन की ख्वाहिश है कि वो हमें जमीन बोस कर दे, हमारा नामो निशान मिटाना चाहता है दुश्मन। हम अपने बच्चों का नाम मरियम रखते हैं, महजून रखते हैं, उमर रखते हैं, अली रखते हैं, उस्मान रखते हैं, हसन रखते हैं और हुसैन भी रखते हैं। दुश्मन इन नामों को भुलाना चाहता है, वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके बड़े शहरों से बेहतर हमारा पाए तख्त है। दुश्मन का मकसद आया सोफिया से अजान को रोकना है, दुश्मन ये चाहता है, मगर आखिर हम क्या चाहते हैं पाशा हजरत? सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इल्म चाहते हैं सुल्तान मौज़म। माशाल्लाह, हम यहां पर इस्लाम चाहते हैं इसलिए कि अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर सकें। रूसी किसी मकसद के तहत ही यहां आ रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते मेरे सुल्तान, यहां तक कि हम इजाजत के बगैर किले को भी मजबूत नहीं कर सकते। आ जाएं। सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। एक रूसी बहरी जहाज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और उन्हीं पर बमबारी कर रहा है उदेसा के इलाके में। वो धमकियां देता हुआ बुहरा अस्वद की जानिब बढ़ रहा है। बहुत खूब, अल्लाह का शुक्र है। इस बात से आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ पाशा, क्योंकि अब हमारे सुल्तान कोई भी सियासी चाल चल सकते हैं। महमूद पाशा दुरुस्त कह रहे हैं, मनसूख शुदा अहकामात पर फिर से अमल किया जाए पाशा। गोला बारूद और हथियार फौरन सरियर किले पहुँचाए जाए। लेकिन मेरे सुल्तान, बर्लिन मुआहिदा। बर्लिन मुआहिदे में लिखा है जब तक रियासत की सलामती को कोई खतरा ना हो तब तक फौज की तैनाती नहीं की जा सकती पाशा। और अब सूरत हाल ये है कि एक रूसी बहरी जहाज पूरी तैयारी के साथ बहरा अस्वद की तमाम बंदरगाहों के लिए खतरा है। हम भी खतरे में घिर चुके हैं। तमाम सफारतखानों को मुत्तला कर दें कि हम एहतियाती तदाबीर करेंगे, जंग मौका देखकर नहीं ईमान से लड़ी जाती है पाशा हजरत। वासफी अफंदी, सब कुछ जान चुके हैं। आपने हमसे कहा था कि वो आपको पसंद नहीं है। ऐसा है कि वो हमारी गलतफहमी थी, हम उनसे ही शादी करेंगे, फैसला कर चुके हैं। ठीक है, फहीम पाशा को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। मैं बागी जहाज को बचाने का रास्ता दिखाऊंगा। अगर वो बलगारवी गिरोहों में शामिल हो गए तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तो अब तुम इन मासूम बच्चों के पीछे छुपोगे मनोल? ये तो खुद ही मुझे बचाने के लिए आ गए। गलत बात।